वेलकम टू आइडियाज़ फैक्ट्री। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, रस्टिक यानी कि ओल्ड स्टाइल और ओल्ड फैशन डोर डिज़ाइन के हवाले से और रस्टिक स्टाइल एंट्रेंस के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर तरह की न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मॉडर्न और लेटेस्ट डोर डिज़ाइन तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ओल्ड फैशन या ओल्ड स्टाइल वुडन, जिसे हम रस्टिक भी कहते हैं, रस्टिक स्टाइल डोर डिज़ाइंस और एंट्रेंस आइडियाज़, जिसमें आप देख सकेंगे कि लकड़ी के इस तरह के दरवाजे हैं, लकड़ी के इस तरह के डोर्स और गेट्स हैं, सिंगल डोर, डबल डोर के, जैसे कोई बहुत ही एंटीक किस्म का कोई पीस है या आप किसी एंटीक जगह पर खड़े हैं वहाँ पर जैसे पुराने ज़माने में डोर्स यूज़ होते होंगे, उस तरह के डिज़ाइन में आपको ये डोर जो है वो नज़र आएंगे। तो अगर आपकी चॉइस है ओल्ड फैशन चीज़ों की और आपको इस तरह के स्टाइल की चीज़ें पसंद हैं, तो बेशक आप नया घर बनवाएं, आप उसमें इस तरह के डिज़ाइन वाले डोर्स और गेट्स बनवा के लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डोर डिज़ाइन बहुत डिफरेंट और यूनिक हैं, और जो नॉर्मली आप न्यू स्टाइल में वुडन डोर डिज़ाइन देखते हैं उनसे बिल्कुल हटके हैं, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। तो कुछ लोगों की चॉइस होती है इस तरह की, और रस्टिक वुडन डिज़ाइन में ना सिर्फ डोर बल्कि और भी आप चाहें तो अपने घर में वुडन वर्क जो होता है वो करवा सकते हैं। इसमें पूरे पूरे किचन जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं, वॉशरूम डिज़ाइन होते हैं। इसके अलावा घर में कहीं पर भी आपने वुडन वर्क करवाना हो तो आप इस तरह के स्टाइल की जो लकड़ी है उसको इस्तेमाल करते हुए वुडन वर्क करवा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ वीडियोस बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये डोर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, कार्विंग करके बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया गया है, साथ कुछ इस तरह के पेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं कि उसको रस्टिक लुक दे रहे हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।